आज की इस वीडियो में हम आपके साथ लाहौर स्मार्ट सिटी का जो ओवरसीज प्राइम ब्लॉक है उसके हवाले से जो है डेवलपमेंट अपडेट आपको देंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं, कितने एरिया पे बन रही हैं, कितनी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है या कितनी रह गई है। जानिए तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में। मैं हूँ आपकी होस्ट अरूज, रस्मा डिजिटल के प्लेटफॉर्म से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करें, क्योंकि डेली बेसिस पर हम इस तरह की न्यूज़ अपडेट लाते रहते हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी का जो ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक है, जिसको पहले लोग सेक्टर ए एंड सेक्टर बी के नाम से जानते हैं, 24 दिसंबर 2022 को जो बैलेटिंग एंड पोसेशन का इवेंट हुआ था उसमें इसको ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक का नाम दिया गया था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सेक्टर ए एंड बी की अलग अलग करके बात करेंगे कि इनमें जो चीज़ें बन रही हैं उन पर कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और कितने एरिया पर ये चीज़ें बनने जा रही हैं, कितने हद तक कम्प्लीट हो गई हैं। तो सेक्टर ए से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये इसका जो टोटल रकबा है या एरिया की अगर हम बात करें तो ये 486 कनाल पर जो है सेक्टर ए वाके है। सबसे पहले हम ओवरसीज प्राइम ब्लॉक का जो सेक्टर ए के अंदर जो मॉस्क बनने जा रही है, जिसका टोटल एरिया जो है 4.5 कनाल है, जो 90% जिसकी डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है, ग्रे स्ट्रक्चर इसका मुकम्मल है। तो ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक की मॉस्क के बाद अब हम बात करते हैं जो यहाँ पर पार्क बनने जा रहा है, तो जो कि इस टाइम फुली ऑपरेशनल है, जिसमें बेसिक चीज़ें जो आप कह सकते हैं कि कैफेटेरिया, वॉकिंग ट्रैक और ग्रीनरी यहाँ पर जो है बहुत ही, जैसे सोसाइटी ने कहा था कि 33% यहाँ पर आपको जो है ग्रीनरी देखने को मिलेगी, जो कि आपको पार्क के अंदर और बाहर तमाम तर जगह जो है बहुत ही खूबसूरत ये मंज़र पेश करती नज़र आती है ग्रीनरी। पार्क के बिल्कुल साथ ही जो है वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी जो है इंस्टॉल कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो यहाँ पे जॉर्जियन स्टाइल विलास बनने जा रहे हैं, जो कि वन कनाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 41 बनने जा रहे हैं और इनका ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी है, 90% आप कह सकते हैं ये कम्प्लीट है। नेक्स्ट बात करते हैं 10 मरला जो विलास यहाँ पे बन रहे हैं जॉर्जियन स्टाइल, जो कि 71 इनकी तादाद है और ग्रे स्ट्रक्चर इनका ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, कुछ के जो है वो पेंट भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो सेक्टर ए की अगर बात की जाए तो इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे सीवरेज सिस्टम हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया और स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स जो हैं यहाँ पर लग चुकी हैं। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं सेक्टर बी के स्मार्ट स्टेम कॉलेज से, जो बनने जा रहा है। ये इसका टोटल एरिया बनता है 13.5 कनाल और जिसके 3 लेंटर डल चुके हैं, चौथा लेंटर डलने जा रहा है और ये जो इनकी डेवलपमेंट है ये पिछले 4 से 5 माह की डेवलपमेंट है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये अपनी डेवलपमेंट जो है दिन रात जारी रखे हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्टर बी के जो अंदर मॉस बनने जा रही है, जिसका टोटल एरिया बनता है 19.5 कनाल का, जिसका ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर जो है रेडी है। मस्जिद के जो है नॉर्थ साइड पर 7 मरला प्लॉट्स आ रहे हैं और ईस्ट साइड पर इसके स्टैम कॉलेज आ रहा है, जिसको ऑलरेडी मैं भी बता चुकी हूँ, और साउथ साइड पर इसके 5 मरला रिहायशी प्लॉट्स आ रहे हैं और वेस्ट साइड पर इसके 4 मरला कमर्शियल प्लॉट्स वाकई हैं। और यहाँ पर जो है स्टॉर्म वाटर ड्रेनिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, जो कि 6 फिट जो है डीप है। इसके अलावा जो है सेक्टर बी के अंदर जो है सीवरेज सिस्टम और स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स का भी काम कंप्लीट कर लिया गया है और सेक्टर ए और सेक्टर बी का जो है ओवरहेड वाटर टैंक भी है, जो अलग अलग होगा और इसकी जो कैपेसिटी है 1 लाख गैलन है। इसके अलावा सेक्टर बी की जो सोसाइटी है इसको सिक्योर बनाने के लिए बाउंड्री वॉल्स भी जो है चारों तरफ लगा दी गई हैं और इसके अलावा यहाँ का जो क्रिकेट स्टेडियम है उसकी भी जो है बाउंड्री वॉल्स बन चुकी हैं और एक पैच जो है इसका कंप्लीट है। ये जो डेवलपमेंट हमने आपके साथ शेयर की है ये टोटल मिला के जो बनती है 1 से 1.5 साल की डेवलपमेंट है और लाहौर स्मार्ट सिटी का जो है जो भी ये कहते हैं उस टाइम लिमिट के अंदर अपनी चीज़ को कंप्लीट करके देते हैं। इनका ना सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है, इसके अलावा जो एक्सेस पॉइंट्स हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले जो है जीटी रोड का जो अंडरपास है उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। जीटी रोड के अलावा रिंग रोड से भी एक्सेस है इसका मेन मेन जगहों से। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो लोग पोसेशन अभी लास्ट 24 दिसंबर को अनाउंस हुआ उन लोगों को भी घर बनाने का कह दिया गया है कि 3 माह के अंदर स्टार्ट कर दें, वो डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाली है। विलास बनने जा रहे हैं जो ऑलरेडी ये चाहेंगे कि फ़ौरन से यहाँ के रह लें तो उनके लिए ऑलरेडी यहाँ पर विलास रेडी उनको मिलेंगे अगले कुछ माह में, जिनका पोसेशन भी अनाउंस कर दिया जाएगा अगले कुछ 5 से 6 माह के अंदर। इसके अलावा लाहौर स्मार्ट सिटी की जो है बैलेटिंग आने जा रही है, जिसका मोस्ट वेटेड चीज़ होती है, जो लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब एक बैलेट आए और कब वो इस बैलेटिंग का हिस्सा बने, जो पिछली बैलेटिंग में रह चुके थे अब उनके लिए ये गुड न्यूज़ थी जो हमने कल ही आपके साथ शेयर भी की है। लाहौर स्मार्ट सिटी जितने भी टाइम लिमिट देता है उसमें अपनी चीज़ों को कंप्लीट करता है और यही बात है कि इनके मेंबरान का और इन्वेस्टर हजरात का जो है इन पर भरोसा हमेशा कायम रहता है। मज़ीद इस तरह की हम डेवलपमेंट वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। कोई भी अगर आपका सवाल लाहौर स्मार्ट सिटी से मुतल्लिक होता है या किसी और सोसाइटी से मुतल्लिक है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। हाफिज़।